सॉरी स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन? आई थिंक बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आपने लगभग पूरा सिलेबस कवर कर दिया होगा। किसी का 80% हुआ होगा, किसी का 90%, किसी का 67%। तो 60-70% वाले को अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, और जिसने अभी 80-95% कवर कर लिया, अब उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कौन सी प्रैक्टिस? मॉक टेस्ट। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, चेक योर एमएससी सीईटी स्कोर, और उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख रहे हो। तो देखो, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप जब उठाएंगे, आपने देखा होगा, तो उसमें वो एक ही चीज़ बोलता है कि एग्ज़ाम को जब 10 दिन कम थे, एग्ज़ाम को जब एक हफ्ता कम था, एक 5 दिन कम थे, 2-4 दिन कम थे, तो हमने लगाए मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट से हमें पता चला हमारी गलतियां कहाँ पे होती है, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है या नहीं होता, हमें पता चला न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, कौन से चैप्टर के सवाल हमसे नहीं छूट रहे, कौन सी चीज़ें हमें याद नहीं आ रहे। तो ये 5 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता चल जाते हैं जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? एमएचटी सीईटी। और एमएचटी सीईटी सर 2024 की जो ये एग्ज़ाम है, और एमएचटी सीईटी ओवरऑल एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर लाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। सर, ये मॉक टेस्ट मतलब क्या है? ठीक है, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़? मॉक टेस्ट को हम प्रैक्टिस टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम होता है एमएससी सीईटी का, उसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है। उतना ही समय, उतने ही क्वेश्चन, उतना ही हार्ड लेवल उसका अंदर, लेवल हार्डनेस का, उतना ही चैप्टर वाइज वेटेज, 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा। तो ये आपकी एमएससी सीईटी की एग्ज़ाम ही है, लेकिन ये हम ले रहे हैं, हम बायो स्टडी ऐप पर ले रहे हैं। और जो आपकी एमएससी सीईटी एग्ज़ाम होगी, वो सीईटी सेल कंडक्ट करेगा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। ये एग्ज़ाम आप घर पे दे सकते हो, वो एग्ज़ाम आप वहाँ पे उनके सेंटर पे जाके दे रहे हो, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई भी फ़र्क हमने रखा नहीं है। ठीक है, हाँ सर, अब ये एमएससी सीईटी मॉक टेस्ट में अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, ठीक है, पीसीबी ग्रुप है, तो आपको पता है 200 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। सो 200 मार्क पे आपको 200 मार्क में से कितने मार्क्स मिल रही है मॉक टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा। आप कितने पानी में हो, एक सिंपल लाइन में अगर बताना चाहूँ तो आप कितने पानी में हो, ये आपको पता चल जाएगा ये मॉक टेस्ट देख के, अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हो। सो अगर आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हो, फिर भी आपको पता चल जाएगा 200 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सुधारना हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो गलतियाँ हुई वो सुधार सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते नहीं, और अभी तक पूरी मेहनत जो करी होती है, वो फिर एग्ज़ाम में जो गलतियाँ होती है, वो उनको तब लगता है कि यार ये कर ले होता तो अच्छा हो जाता, इसमें मुझे अगर पहले पता चल जाता ये गलती, तो मैं इसको फिर से नहीं दोहराता और एग्ज़ाम में मेरे अच्छे स्कोर आ जाता। इसलिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको देना ही देना है, ये मैं बोलना चाहूँगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया पूरा मॉक टेस्ट का कैसे चीज़ होती है? हाँ, आप जिसका पीसीएम भी है, उसको 2 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, पीसीबी की एक और पीसीएम की एक। क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि आपका जो पीसीबी है, इस बायो का पेपर आपको पता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए होते हैं, है कि नहीं? और इसको मिलते हैं 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आपको बायो के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब लगभग एक क्वेश्चन को एक मिनट से कम समय मिल रहा है। यस। अब सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री, और ये दोनों को भी 90 मिनट्स मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें आपको पता है 1 क्वेश्चन को 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सर, ये थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में पता चल गया सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट पता चल गया। अब सर मॉक टेस्ट कहाँ पे देनी है, एक चीज़ क्लियर करो। सो बायो स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, पहले वीडियो देखो कंप्लीट। सो यहाँ पे मैंने लिखा बायो स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये जो बायो स्टडी ऐप है, वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। कम से कम 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है, और वहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बायो स्टडी ऐप में आप जैसे ही जाओगे, तो उसके अंदर आपको एक कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कोर्स, जिसके अंदर होगा एमएचटी सीईटी 2024 मॉक टेस्ट। ठीक है, यस सर। तो मॉक टेस्ट का, एमएचटी सीईटी 2024 मॉक टेस्ट का ये आपको एक कोर्स दिख जाएगा। ये जो कोर्स है, इसमें क्या है सर, सबसे पहले तो वो बता दीजिए। आपको पता है अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, तो इसकी फुल लेंथ 200 मार्क की 5 एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे, जो ऑनलाइन है। एग्ज़ाम्स कैसे हैं? ऑनलाइन है, ठीक है, पीसीबी के भी, और साथ ही साथ आपको पीसीएम के भी 5 ऑनलाइन एग्ज़ाम्स मिलेंगे। कितने सर? 5 ऑनलाइन एग्ज़ाम। कितने? 5 ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये इसके अंदर आपका 11th भी है और 12th भी है, दोनों का सिलेबस है।
साथ ही साथ इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है, मतलब 200 मार्क। और इधर क्या होगा आपका, इधर भी 11th और 12th, साथ ही साथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। तो ये आपको ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं। अब सर इस कोर्स की प्राइस कितनी है? अब कोर्स की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोर्स की जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़, 499 इस कोर्स की प्राइस है। और ये प्राइस सर क्यों रखी आपने? सर कोई कोई इस तो हमें सर वैसे ही फ्री में सर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो हम फ्री में नहीं दे रहे क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगी है। और हमने ऐसा नहीं कि किधर से हमने उठाया है, डायरेक्टली टेस्ट और एक माउस का बटन क्लिक करके ऐड कर दिया और आप उसको टेस्ट को दे पाएंगे सीधा सीधा। तो हमने क्या किधर से उठाया आपको ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज हमने खुद बनाए हैं, ये टेस्ट हमने खुद बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारे पास किताब है, ठीक है। ये आपका किताब है कौन सा, केमिस्ट्री का। ऐसा ही हमारे पास फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, चारों के हमने परचेस किए हैं। ये इसी साल बुक्स परचेस किए, कम से कम 5-6 हज़ार की ये बुक्स हमने परचेस किए। और इसमें है ना सब PYQs है, सिर्फ और सिर्फ ओनली PYQs। और हमने सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमने PYQs का टेस्ट सीरीज बनाया है। PYQs का टेस्ट सीरीज मतलब PCB की एग्जाम जो 5 होती है, एक एग्जाम 200 मार्क की, तो 5 कितने हो गए, सो 5 में हो गए 1000 क्वेश्चन सर। तो ये जो 1000 MCQs आपको मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ PYQs है। ये जो MCQs है वो क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, उसके टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता है जब ऑफलाइन एग्जाम होती है तो लाखों बच्चों को एक ही पेपर दिया जाता है, मतलब PCB की अगर एग्जाम है तो 200 क्वेश्चन लाखों बच्चों को एक ही साथ दे देंगे वो पेपर। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में हमारे पास इतना बड़ा हम बोलेंगे टेक्निकल लैब्स नहीं है, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि एक साथ इतने बच्चों के ले लिए जाए, उससे तो वेबसाइट भी क्रैश हो जाता है आपको पता है। तो इसमें क्या किया जाता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती है, और मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम लेनी है तो सेम क्वेश्चन नहीं डालने हैं। सेम क्वेश्चन डाला तो पहले शिफ्ट का दूसरे वाले को बता देगा, और जिसकी लास्ट को शिफ्ट है उसको तो पूरा पेपर ही समझ में आ जाएगा। सब ने अगर 5-5 क्वेश्चन बताया तो उसको तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही मिल रहा है, तो वो 9 साफ ही होगा पहले अर्ली जिनका एग्जाम है उनके साथ। तो इसीलिए हर एक शिफ्ट में अलग पेपर निकाले जाते हैं। अगर अब 20 दिन एग्जाम है, PCB की एग्जाम 10 दिन है, तो एक दिन में 2 शिफ्ट, तो 10 दिन में कितने शिफ्ट हो जाएंगे, 20 शिफ्ट, मतलब 20 क्वेश्चन पेपर्स वो बना रहे हैं। सेम सिलेबस पे 20 क्वेश्चन पेपर वो बना रहे। अब 20 क्वेश्चन पेपर बना रहे तो मुझे आप बताइए टॉपिक सेम होगा कि नहीं, टॉपिक तो ऑब्वियसली सेम आएगा क्योंकि सिलेबस के बाहर का पूछ नहीं सकते। तो इसलिए PYQs बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस साल के, पिछले साल के या 2 साल के भी, या फिर पिछले साल और उसके पिछले साल 2 साल के मैंने अगर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन लिए पूरे के पूरे, वैसे मिलते नहीं है शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मिलते नहीं है, ये बुक में भी आपको पूरे पूरे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि पूरे के पूरे करेंगे तो आपको और पूरा पेपर ही आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सो PYQ क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होंगे ये नहीं होता, बट उसके जैसे सवाल घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इधर हमने सिर्फ PYQs ऐड किए, सिर्फ PYQ। सो PYQ का मॉक टेस्ट, सिंपल एक वर्ड में इसको बोलना चाहूँ तो वो है PYQ का मॉक टेस्ट। अब ये जो PYQ का मॉक टेस्ट है ये हमने जो आपके लिए बनाया है ये आप मोबाइल पर भी दे सकते हो, लैपटॉप पर भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये कोर्स कैसे परचेस करना है, क्या करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन बायोस्टडी ऐप पे है। बायोस्टडी ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे कोर्स को कैसे परचेस करना है, लैपटॉप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज को कैसे देना है, बाकी ओवरऑल सब चीज़ें आपकी जैसी मेन एग्जाम होती है वैसे ही सेट करी हुई है। टाइम, सिलेबस, वेटेज, हार्डनेस लेवल, और उसमें जैसा इंटरफेरेंस आपका मेन एग्जाम में आता है वैसा ही इधर भी प्रोवाइड किया है हमने, वैसा ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपको लग रहा होगा कि हम ऑनलाइन एग्जाम ही दे रहे हैं, लेकिन आपको इधर पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे होती है। तो इसके ऊपर मत देखिए। सो ये कितना है सर, ये क्योंकि इसमें वैल्यू है इसलिए इतनी इसकी प्राइस है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपका 5 लाख बचा सकता है, ये आपका 50,000 बचा सकता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे, एडमिशन करने जाओगे एग्जाम देने के बाद किसी भी कॉलेज के अंदर, तो आपको पता है एक एक परसेंटाइल आपके लिए ज़रूरी है, एक एक परसेंटाइल आपका लाखों रुपये बचा सकता है। इसीलिए पैसों के बारे में मत सोचिए जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप एजुकेशन में हो तब नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। हाँ सर, ये आप नंबर देख सकते हो, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा, कैसे टेस्ट सीरीज रहेगी, क्या रहेगी, सब कुछ, ठीक है। हाँ सर, तो इस वीडियो में वही था कि आप क्या करो, थोड़ा सा देखो, सोचो कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और कैसे MSSET एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।